व्हाट्स अप दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हमें भिवानी के टीवीएस आर शोरूम में और यहां पर आ चुके हैं 2020 अपाचे आरटीआर 204V BS6 मॉडल के साथ। तो अब की बार 2020 में एक ये नया कलर आया है ग्लोसी ब्लैक्स और रेड स्ट्राइप्स के साथ, जो कि इसको एक रेस पेक्स बाइक का लुक दे दी है, जो कि इसमें दिखने में काफ़ी शानदार है, अट्रैक्टिव जो लुक अब की बार हो गया है बाइक का। जानते हैं बाइक के बारे में, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये रही 2020 अपाचे आरटीआर 204V BS6। तो ये एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको पावर मिलेगी, फीचर्स मिलेंगे, लुक भी मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हो, टीवीएस अपने कस्टमर्स को देती है वैल्यू फॉर मनी बाइक। तो सामने की तरफ इसमें अब की बार आ गया है एक फुल्ली एलईडी हेडलैम्प, जो कि नाइट में आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देगा। प्लस इसकी बैटरी कंजप्शन भी काफ़ी कम है, और जिसकी DRL है अब की बार सेम बाहर आ गई हैं, तो काफ़ी बड़ी हैं, ये दिखने में भी काफ़ी अच्छी हैं। साइड की तरफ जाएं तो साइड की तरफ आपको देखिए काफ़ी बड़ा टैंक देखने को मिल जाएगा, जो इसके टैंक स्कूप्स हैं, इस साइड से दिखा देता हूँ, जो इसके टैंक स्कूप्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। और इसके ऊपर आपको RTR का लोगो और TVS का लोगो भी जो देखने को मिल जाएगा, जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 12 लीटर। और टैंक के ऊपर आपको एक गिल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, जिसकी फ्यूल फिलर कैप है वो थोड़ी सी साइड में है। और आपको एक रेस ग्राफिक्स टाइप देखने को मिल जाएगा, RTR 200 की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो कहीं से भी देखो, बाइक का लुक काफ़ी अच्छा है इस ग्लोसी ब्लैक कलर के साथ, जो कि रेड स्ट्रिप्स में आता है। चलते हैं थोड़ा सा नीचे, तो नीचे में आपको एक इंजन काउल देखने को मिलेगा, जो कि इंजन को कवर करता है, प्लस इंजन के लुक्स को भी इन्हेंस करता है बाइक की, मतलब एक लुक जो देता है एक्स्ट्रा। और इस पर आपको स्लीपर क्लच की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, रेस ट्यून्ड स्लीपर क्लच, BS6 का लोगो, TVS का लोगो, एंड साइड पे आपको एक अपाचे का लोगो देखने को मिल जाएगा। और पीछे की तरफ टेल सेक्शन में आपको RTR 204V मींस रेसिंग थ्रॉटल रिस्पांस 204 वेल्स। और टैंक सीट पे आपको ये गिल्स टाइप डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको स्प्लिट सीट्स देखने को मिलती हैं, जो कि आपको 160 में देखने को नहीं मिलेंगी, जिसके रियर ग्रैब रेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और पीछे में भी सेम आपको एक क्रिस्टल क्लियर LED टेल लाइट देखने को मिलेगी, जो इसके इंडिकेटर्स हैं आगे के पीछे के वो हैं बल्ब। तो इसके जो ब्रेकिंग और टायर वगैरह देखते हैं, तो आगे में पीछे में दोनों में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, और पीछे में भी अलॉय व्हील है। तो फ्रंट ब्रेक का साइज़ है 270 mm के पेटल डिस्क, और जो रियर ब्रेक का साइज़ है वो है 240 का पेटल डिस्क, सिंगल पोर्ट वाइब्री कैलिपर। जो इसकी ब्रेक लाइन है वो स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन है पीछे की, आगे की रिमेन सेम रबर है। तो ब्रेकिंग काफ़ी शानदार है, इसमें आता है सेफ्टी के लिहाज से डुअल चैनल ABS प्लस RLP। RLP स्टैंड फॉर रियर व्हील लिफ्ट का प्रोटेक्शन। जिसका टायर साइज है फ्रंट का वो आप देख लो, वो है 90x19 R17। जो पीछे का जो टायर साइज है वो है 130 का, जिसका पीछे का टायर साइज है। और आगे में पीछे में दोनों में आपको TVS की ये रेसिंग स्ट्रिप्स जो देखने को मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी अच्छी है। एलोई का डिज़ाइन भी अच्छा है, ब्रेकिंग भी अच्छी है, व्हील्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ट्यूबलेस टायर्स में आते हैं। अब बात करते हैं इसका सस्पेंशन, तो सस्पेंशन आप देख रहे हो इसमें आते हैं गोल्डन फोक्स, जो कि और मतलब अच्छे लग रहे हैं। और कंपनी ने फ्रंट फोक के लिए एक आपको एक डस्ट कवर दिया, ताकि इसके फ्यूल जिसकी ऑयल सील है उस पर डस्ट वगैरह ना लगे। KYP का सस्पेंशन आता है, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है सभी बाइक में, बहुत सारी बाइक में, तो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है। इसकी सॉफ्टनिंग नहीं है, ये मिड पे सेट है, मतलब हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो ये है 41 mm के तो नहीं है, ये 40 mm के जो फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है। और जो रियर का जो सस्पेंशन है वो है मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन, आपको देखने को मिल जाएगा रियर में भी। अब बात करते हैं मेनली हमारे हार्ट की, तो ये है 200cc का 4-valve है DOHC सेटअप, ऑयल्ड कूल्ड प्लस एयर कूल्ड BS6 इंजन। इसमें आता है आपको 5-speed गेयर बॉक्स विद स्लीपर क्लच, रेस्ट इन स्लीपर क्लच,
और ये बाइक है इक्विप्ड रेस ट्यून्ड FI के साथ, तो ये बाइक आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगी। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 20.5 BHP की, जिसकी मैक्सिमम पावर है। जिसका टॉर्क आउटपुट है वो 16.8 न्यूटन मीटर्स। पावर थोड़ी सी कम हुई है पेपर्स पे, लेकिन आपको चलाते टाइम ऐसा कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपकी बार है रेस ट्यून्ड FI, तो ये 0-60 करती है जस्ट 3.8 सेकंड में, और जिसकी टॉप स्पीड है वो 130 के आसपास या 140 के आसपास आराम से बाइक चली जाती है, डिपेंड करता है आपके राइडर के बॉडी वेट पे भी। और जिसकी मैक्सिमम माइलेज है सिटी में कंपनी की तरफ से वो है 35-40 अगर आप बाइक ढंग से चलाओगे। तो जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 12 लीटर्स। तो बाइक में आता है कि बड़ा सा एग्जॉस्ट, डुअल बैरल एग्जॉस्ट, और जो इसके फुट हैंगर्स हैं वो आपको एल्युमिनियम के फुट हैंगर्स देखने को मिलते हैं, जबकि इसके जो फुट रेस्ट हैं वो भी आपको पिलियन के इस तरह के जो इसके फुट रेस्ट हैं, और जो फ्रंट का फुट रेस्ट है वो रबर का है। तो बाइक 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 6th गियर इतना ज़्यादा मांगती नहीं है लेकिन ठीक है, और बाइक हीट भी नहीं होती है, इसमें ऑयल कूलर दे रखा है, और ये जो गिल्स हैं ये डायरेक्ट इंजन के पास हवा लेके जाते हैं ताकि इंजन गर्म ना हो, और आपको ये BS6 का कैटालिटिक कन्वर्टर जो देखने को मिल जाएगा। तो इस बाइक का जो मेनली कॉम्पिटिशन होता है वो होता है ड्यूक 200 NS200 से। तो ड्यूक 200 काफ़ी अच्छी बाइक है, पर उसका प्राइस काफ़ी हाई है। NS200 पावर अच्छी है उसमें, लेकिन फीचर्स नहीं है। तो ये उन दोनों के बीच की बाइक है जिसमें पावर भी है, फीचर्स भी हैं, लुक्स भी हैं, और कॉस्टिंग भी काफ़ी कम है। तो अगर आपको ये बाइक लेनी है तो फॉर श्योर कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। BS6 कंप्लाइंट है ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ, इसमें आपको रेड स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब एक रेस पैक्स लुक्स बाइक को जो दे देती है। तो ये रहा इसका मीटर, तो अब की बार इसमें सभी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। सॉरी एक बार फोकस कर दें, तो इसमें आपको सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल कंजप्शन नहीं है लेकिन एवरेज स्पीड, और लैप टाइमर, हाई स्पीड, और 0-60 और एवरेज स्पीड, और आपको फ्यूल गेज, टैकोमीटर, ओडोमीटर और गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। टाइम देखने को मिल जाएगा और सर्विस रिमाइंडर जैसे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ABS की लाइट है न्यूट्रल, और फ्यूल गेज की, और सभी जो मेल फंक्शन लाइट होती हैं वो आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो बैकलाइट स्विचेज हैं इस बाइक में, पास का हो गया हाई बीम लो बीम, और ये एक बटन है वो है ब्लूटूथ को कंट्रोल करने के लिए। क्लिप ऑन हैंडल्स बार इस बाइक में आते हैं जो कि राइडिंग पोजीशन को थोड़ा सा और एग्रेसिव बना देते हैं। तो अपाचे RTR 204V BS6 मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस है हरियाणा भिवानी में वो है 1,58,000। तो हाँ, बाइक का प्राइस काफ़ी सही है यार, क्योंकि NS200 से कम है और ड्यूक 200 से भी कम है, उनसे फीचर्स ज़्यादा हैं, पावर भी सही है, एक परफेक्ट कॉम्बो बाइक है ये अगर आपको वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए 200 सेगमेंट में, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। तो बाइक काफ़ी अच्छी है फॉर श्योर, अगर आपको लेनी है तो, अगर आप भिवानी के आसपास से हो तो भिवानी के TVS RS शोरूम में ये 200 अवेलेबल है, 160 अवेलेबल है, मतलब सभी BS6 वेरियंट बाइक्स के अवेलेबल हैं, स्कूटी हो चाहे कोई भी TVS की बाइक हो। तो आप आइए, जो कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन पोर्शन में है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो अपाचे RTR 200 की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने बाइकर भाइयों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान पाएँ कि क्या कुछ जो नए फीचर्स आए हैं 2020 वेरिएंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।